ताज़ातरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, विराट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पुरानी बात को लेकर घर में घुसकर मारपीट हुई है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि बताया जाता है कि पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की घटना घटित हुई है। पुलिस देखती रही और पीड़ित पिटते रहे। इसके पीछे राजनीतिक दबाव बताया जा रहा है। घटना ग्राम रिरुआ थाना गुड़ की है। रात 10 बजे तेजलाल शर्मा ने शिवहर चंद्र शर्मा और अनुज मुलायम शर्मा के साथ रमा गोविंद शर्मा के ऊपर कुल्हाड़ी से सिर हाथ पैर में वार किया है और यह पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई है। उस वक्त पुलिस ने हमले के वक्त कोई एक्शन न लेकर मौके वारदात से चली गई। पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी सूचना सीएम हेल्पलाइन में भी की गई है लेकिन वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। बताया जाता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट से इस घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल घायलों का संजय गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मेरी जमीन थी रिरुआ कला में और हमारा पुसैनी रास्ता था 197/1 जमीन में। तहसीलदार का आदेश हमारे पक्ष में था और कमिश्नर महोदय का भी हमारे फेवर में पक्ष था लेकिन जो विपक्ष पार्टी तेजलाल है वो हाई कोर्ट में स्टे उसको लिया और कोरोना के चक्कर में वहाँ पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ और उस पर पक्का मकान बनाने की तैयारी में था। उसकी कंप्लेन हमने सुबह पुलिस थाने गुड़ में दिया। उन लोगों ने अपना नंबर दिया कि अगर किसी प्रकार का काम करता है, रोकता नहीं है तो मुझे सूचना दीजिएगा। हमने उसको 8:30 बजे रात में भी उस काम को पूरा कर रहा था कि जल्दी जल्दी पूरा कर लें और उस उनको खबर दिया 100 डायल करके पुलिस आई और पुलिस के सामने जैसे हमारे परिजन गए बताने के लिए कि यहाँ पर ये कर रहे हैं तो तलवार टांगे और डंडों से 8 लोगों ने हमला किया और बेहोश कर दिया वहीं मार मार के और हालत बहुत बुरी हो गई। अब सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ जा रहे हैं हर 5-5 मिनट में उनको। नाम क्या? नंद कुमार शर्मा। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।